नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा खंडेलवाल। अपना अपना स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इमरती, जिसे कंगन भी कहा जाता है। अभी कनागत यानी पितृपक्ष चल रहा है, इमरती का बहुत महत्व माना जाता है। तो हम आज की रेसिपी शुरू करें। इमरती बनाने के लिए हमने एक कटोरी भीगी हुई उड़द दाल ली है, जिसने हमने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर लिया है। हम इसे मिक्सी में थोड़ा कम पानी डालकर इसे महीन पीस लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और 5 से 10 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसे अच्छे से फेंटना है। हम इसमें 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर और 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को थोड़ा सा पानी में डालेंगे। अगर ये ऊपर आ जाता है तो ये बैटर परफेक्ट तैयार है इमरती बनाने के लिए। हमारा बैटर ऊपर आ गया है। हमने बैटर को डालने के लिए एक प्लास्टिक का कोन बना लिया है, जिसमें हम बैटर को भर लेंगे और आगे से कोन को कट कर लेंगे। इमरती बनाने के लिए हम चाशनी बनाएंगे। हम 2 कटोरी चीनी को एक बर्तन में डालेंगे और उसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर और 1 कुटी हुई इलायची डालेंगे। चाशनी को 5 से 7 मिनट उबालेंगे। हमें चाशनी को शहद की तरह चिपचिपा यानी एक हल्का सा तार बनाकर चाशनी बनानी है। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम एक पैन में घी लेकर उसे लो फ्लेम में गरम करेंगे और कोन से 2 बार गोल शेप बनाकर इस पर डिज़ाइन बना देंगे। इस तरह हम सारी इमरती की डिज़ाइन बना लेंगे। इमरती जब एक तरफ से सिकने लगे तब हम इसे पलट लेंगे। हमारी इमरती दोनों तरफ से सिक चुकी है। अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। कुछ मिनट तक चाशनी में रखने के बाद निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी इमरती को चाशनी में डाल लेंगे। हमारी इमरती बनकर तैयार है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। धन्यवाद।